नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। उरीमारी थाना क्षेत्र के गरसूला पैक्स के नामांकन प्रक्रिया के दौरान आपस में मारपीट होने से कई लोग घायल हुए। पैक्स में गड़बड़ी को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप मारपीट तक पहुंच गई। दिनांक 22 अक्टूबर को पैक्स के चुनाव को लेकर नामांकन हो रही थी। गरसूला के ग्रामीण जगदेश्वर गोप, रविंद्र गोप आदि ने पैक्स के अध्यक्ष जीतनी देवी और उनके पुत्रों पर पैक्स में गड़बड़ी के कई आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों द्वारा पैक्स की नियमावली और सदस्यों की सूची सत्यापित जानकारी मांगे जाने के बाद आपसी विवाद बढ़ गया। पैक्स के नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन पदाधिकारी मुरलीधर बिरुआ के मिली भगत का भी आरोप लगाया गया है। जीतनी देवी एवं उनके चारों पुत्र रोहित कुमार यादव, राम विलास यादव, कमलेश कुमार यादव और विनोद कुमार यादव एवं उनके अन्य समर्थक में मारपीट कर कई लोगों को घायल कर दिया, जबकि जगेश्वर गोप के अनुसार वे लोकतांत्रिक और नियमानुसार चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, जिससे आक्रोशित जितनी देवी के पुत्रों ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया और जान मारने की कोशिश भी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में निर्वाचन अधिकारी के भी मिले होने की आशंका जताई गई। ग्रामीणों ने इस चुनाव को भंग करने और निष्पक्ष लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराने की मांग की है। लगातार दो बार से एक ही परिवार के लोगों का इस पैक्स पर कब्जा है। पुनः वे पहले की भांति दबंगई कर और चुनाव स्थगित कराकर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। वर्षों से यहाँ के किसानों एवं अन्य जनता के साथ छल और ठगी करने का भी आरोप लगाया गया है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के साथ इसी प्रकार के घटना को अंजाम दिया जाता है एवं मुंडी काटने की धमकी बार बार दिया जाता है। दूसरी ओर गरसूला प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष जीतनी देवी पति रामधन गोप ने थाना प्रभारी उरीमारी ओपी को पत्र लिखकर गरसूला पैक्स के नामांकन में जगेश्वर गोप एवं अन्य के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाई है। जीतनी देवी ने जगेश्वर गोप, ओम प्रकाश मुंडा, जुगेश बेदिया, नंद किशोर मुंडा आदि पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें निर्वाची पदाधिकारी मुरलीधर बिरुआ से प्रपत्रों को छीनने की कोशिश सहित मारपीट आदि है। चाकू से हमला किया गया। पूरा विस्तार से क्या हुआ है? वहाँ हम लोग पैक्स का चुनाव हो रहा था, हम वहाँ का सदस्य हैं, हम बैठे हुए थे बीसीओ के बगल में। इसी बीच में जो है ओम प्रकाश मुंडा आया हमारे पास, बीसीओ साहब से जो पेपर छीनने लगा, हम उनको उससे रोक रहे थे। तभी जा करके रविंदर गोप जो है और उनका भतीजा विकास कुमार यादव जो है वो आकर के जो है से दोनों हमको पकड़ लिया। उसका बेटा जो राहुल कुमार है वो आके हमारे ऊपर जो है हमला बोल दिया, चाकू मार दिया, पूरा धक्का लुके गया, पूरा छिला उला गया मार करके। अपना नाम था जी? मेरा नाम कमलेश कुमार, पिताजी का श्री रामधन गोप, ग्राम गरसूला अम्बाटोला के निवासी है। मोहटोला अम्बाटोला अम्बाटोला।